जब भारत ने 28 साल बाद जीता वर्ल्ड कप, कैप्टन कूल ने विजय छक्का मारकर जिलाई थी ऐतिहासिक जीत। जी हां, बहुत स्वागत है आपका खेल का अड्डा में और मैं हूं आपके साथ सुदीप राजपूत। इस समय भारत में वर्ल्ड कप खेला जा रहा है और हमने सोचा कि जिस तरीके से 2011 में इंडिया वर्ल्ड कप जीता और जो जानकारियां उसमें आई या जो चीज़ें थी वो कितनी दिलचस्प थी, वो आप सबके साथ साझा किया जाए। आईसीसी वर्ल्ड कप का वैसे तो हर मैच दिलचस्प होता है, लेकिन जब फाइनल मुकाबला खेला जाता है तो फैंस के साथ खिलाड़ियों में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिलता है। ऐसे ही एक फाइनल मुकाबला 2 अप्रैल 2011 को खेला गया था, जिसे लेकर फैंस और खिलाड़ियों का जोश और जुनून अपने चरम पर था। आइए विस्तार से जानते हैं इस वर्ल्ड कप मैच के बारे में, जिसमें MS धोनी ने विजयी छक्का मारकर ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। दरअसल 2 अप्रैल 2011 का दिन भारतीय क्रिकेट के इतिहास में सुनहरे शब्दों में लिखा गया, जब भारत ने मुंबई में अपनी दूसरी 50 ओवर की विश्व कप ट्रॉफी जीती थी। उस समय भारत के कप्तान MS धोनी ने फाइनल में जीतने के लिए छक्का मारा और यह शॉट भारत क्रिकेट के सबसे खूबसूरत यादगार पलों में एक बन गया। बिल्कुल, आप सबको याद होगा कि MS धोनी जब वो सिक्स मारते हैं उसके बाद जो बल्ला अपना रोल करते हैं वो वाकई में हर क्रिकेट प्रेमी के दिमाग में बैठ गया। कैप्टन कूल ने विजयी छक्का जो मारा वो एक ऐतिहासिक जीत भी थी। विश्व कप 2011 के फाइनल में भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबला हो रहा था। इस दौरान वानखेड़े स्टेडियम में दर्शकों से खचा खच भरा हुआ था। 11 गेंदों में 4 रन चाहिए थे और स्ट्राइक पर MS धोनी थे। दर्शकों की नज़रें कैप्टन कूल पर टिकी थी, मानो सब कुछ ठहर सा गया हो। धोनी ने अगली गेंद पर सीधा छक्का जड़ दिया और फिर मुंबई का आसमान आतिशबाजी से जगमगा उठा। खिलाड़ी और फैंस जश्न में डूब गए। फैंस और खिलाड़ियों ने 28 साल बाद जीत का जश्न जो मनाया था, आखिर वो जो सपना सचिन तेंदुलकर देख रहे थे और ऐसा माना जा रहा था कि सचिन तेंदुलकर का ये लास्ट साल होगा खेलने का, और हो भी क्यों ना, आखिर 28 साल बाद हमने वर्ल्ड कप जीता था। इससे पहले टीम इंडिया ने 1983 में विश्व कप जीतकर सभी को हैरान कर दिया था। इसके बाद भारत को अगली जीत के लिए 2011 में मिली। हालांकि 2003 में हम खिताब के बहुत करीब आए थे लेकिन फाइनल में हार गए। इस बार मैन इन ब्लू ने बाजी मार ली थी। इस दौरान फैंस सबसे ज़्यादा तेंदुलकर को लेकर खुश थे क्योंकि यह उनका छठा और अंतिम विश्व कप था और सबसे महान खिलाड़ियों ने आखिरकार टूर्नामेंट जीतने का अपना सपना साकार कर लिया। 2003 में उनके चेहरे पर जो पर्दा था उनकी जगह अब खुशी ले ली थी। उनके साथियों ने उन्हें अपने कंधों पर उठाया और टीम ने इस मैच में श्रीलंका को 6 विकेट से हराया था। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए महिला जयवर्धने की शानदार 103 रन के दम पर 274 रनों का स्कोर खड़ा किया। इस मुकाबले में लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया के लिए शुरुआत कुछ खास नहीं रही क्योंकि वीरेंद्र सहवाग 0 पर आउट हो चुके थे। इसके बाद सचिन तेंदुलकर भी 18 रन बनाकर आउट हो गए थे। इसके बाद गौतम गंभीर 97 रन, विराट कोहली 35 रन ने टीम की कमान संभाली और फिर आखिर में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 91 रन की अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर टीम को जीत कर ही वापस लौटे। वर्ल्ड कप में युवराज सिंह को मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब दिया गया क्योंकि उन्होंने गेंद और बल्ले के साथ टीम में दमदार प्रदर्शन किया था। वहीं फाइनल मुकाबले में धोनी की शानदार बल्लेबाजी के चलते उन्हें मैन ऑफ द मैच मिला था। तो हम बात कर रहे थे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 के, जिसे भारत ने बखूबी अपने नाम किया था। उस समय जिस तरीके से टीम में जो टीम को परफॉर्मेंस था, चाहे हम सचिन की बात कर लें, चाहे गौतम गंभीर की बात कर लें, चाहे युवराज सिंह की बात कर लें, चाहे महेंद्र सिंह धोनी की वो फाइनल वाली पारी की बात कर लें या सुरेश रैना की बात कर लें, अच्छे प्लेयर थे, सटीक प्लेयर थे। आपके पास कम से कम 4 से 5 पार्ट टाइम बॉलर भी थे। उस समय सचिन भी बॉलिंग करते थे, सहवाग भी करते थे और जिस तरीके से सुरेश रैना भी बॉलिंग करते थे, युवराज सिंह भी करते थे, और जो दो आपके पास बाएं हाथ के तेज गेंदबाज थे, चाहे आशीष नेहरा की बात करें या जहीर खान की, शानदार बॉलिंग की और वर्ल्ड कप को 28 साल बाद अपने नाम किया था। इसी तरीके से स्पोर्ट्स से संबंधित और तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। धन्यवाद।